Hello, in this part I will discuss the simplified structure of human heart. Human heart is a complex structure, so I am simplifying the structure of human heart, how the chambers are formed in the human heart. So human heart is first, it is four chambered. Let's see the simplified structure. This is not true actual structure, but it is simplified. So ये upper chamber and this is lower chamber. Human heart is four chambered. Upper chamber is human heart is four chambered. It is four chambered structure. It is four chambered structure. Upper chamber is called atria or auricle. Atria or auricle. And the lower chamber is called ventricle. And the lower chamber is called ventricle. So ये upper chamber है जिसको atria या auricle कहते हैं, ये lower chamber है जिसको ventricle कहते हैं. अच्छे से समझना. इस एट्रिया के बीच में एक पार्टीशन का फॉर्मेशन होता है और इस पार्टीशन का नाम होता है इंटर एट्रियल सेप्टम. इंटर एट्रियल सेप्टम और इसको कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. इस सेप्टम के कारण हार्ट के हमारे दो चैम्बर्स बन गए, ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम. राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम. राइट एट्रियम में आपको पता है कि यहां पर एस ए एन होता है. इसके अलावा सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग होती है, इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग होती है और कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है. तो ये सारी ओपनिंग कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है. सुपेरियर वेना कावा कैरिज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट. इंफेरियर वेना कावा कैरिज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट एंड कोरोनरी साइनस कैरिज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट वॉल. और इस तरह से राइट एट्रियम हमारा ब्लड से फिल हो जाता है. और यहाँ पर राइट एट्रियम में जिस ब्लड की फिलिंग होती है वो कैसा ब्लड होता है, तो राइट एट्रियम इज फिल्ड विद डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. Right atrium is filled with which type of blood? Deoxygenated blood is filled with deoxygenated blood. This is left atrium. And in the left atrium opening of four pulmonary vein is present. So ऐसे हमारे पास circulation होता है. एक बार brief में इसको हम लोग देख ले हमारा circulation कैसे होता है. यहाँ पर हमारा ये lungs होता है. ये सबसे simple view है circulation को show करने का. Heart से systemic aorta cells के पास आता है और यहाँ पर ये capillaries का formation करता है. ये capillaries vein बनाती है और ये right atrium में लेकर इसको जाता है. राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो लंग्स के पास कैपिलरी का फॉर्मेशन करता है और फिर ये लेफ्ट एट्रियम में आता है. ऐसे ही सर्कुलेशन हमारा होता है. तो यहाँ राइट लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास पल्मोनरी वेन लेकर आ रही है और लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड का फिलिंग हो गया. लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड. ये ब्लड कैसा है, ये ऑक्सीजनेटेड है क्योंकि यहाँ पर ये पल्मोनरी वेन हम लोग सिंगल एक शो कर रहे हैं यानी, लेकिन ये टोटल चार है. यहाँ पर हम लोग एक वेना कावा को दिखला रहे हैं लेकिन यहाँ पर भी तीन है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस. तो सिंपल करने के लिए हम लोग एक एक को शो कर रहे हैं लेकिन ये क्लियर है कि यहाँ पर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. तो इस जगह पर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया और इस जगह पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, ये दो ऑरिकल के बीच में, इन बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल,
यहाँ पर ऑरिकल में ऐसे हैं, और इस जगह पर जहाँ पर वेंट्रिकल सेपरेट होता है, ऑरिकल सेपरेट होता है, ये जो मीटिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर हमारे पास एक और भी नोडल टिश्यू प्रेजेंट था जिसका नाम एवीएन था। एसएएन का फंक्शन याद है आपको, एसएएन को पेस मेकर कहते हैं। एसएएन इज कॉल्ड पेस मेकर, क्यों? क्योंकि जब एट्रियम में ब्लड की फिलिंग होती है तो एक साथ दोनों में ब्लड की फिलिंग होती है, जिस वक्त इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है साइमल्टेनियसली इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो ड्यू टू साइमल्टेनियस फिलिंग ऑफ ब्लड इन द एट्रियम एसएएन इज एक्साइटेड, ये एक्साइटेड होता है, एंड इन एक्साइटेशन इट जनरेट्स इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये इम्पल्स जनरेट करता है कॉन्ट्रैक्शन का, इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू विच बोथ द एट्रियम, ड्यू टू विच बोथ द एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, ये कहलाता है एट्रियल सिस्टोल। एक पार्ट ऊपर का क्लियर हो गया, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ लोअर पार्ट दैट इज वेंट्रिकल। अब ये ऊपर का क्लियर हो गया, अब वेंट्रिकल के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हमारे पास राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में खुलता है यहां पर, और यहां पर दोनों में एक एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। एट्रियम को वेंट्रिकल से जो सेपरेट करता है इसका नाम क्या है? इट इज कॉल्ड ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर, दिस इज कॉल्ड ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम है जिसमें यहां पर भी ओपनिंग है, यहां पर भी ओपनिंग है। यहां पर की ओपनिंग का मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच भी एक ओपनिंग प्रेजेंट है। अगर वेंट्रिकल के वॉल को हम डिस्कस करें कि वेंट्रिकल का वॉल कैसा होता है, तो वेंट्रिकल के वॉल को अगर हम ऑब्जर्व करें, वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर, तो ये ठीक होता है, काफी ठीक होता है वेंट्रिकल का वॉल। और वेंट्रिकल के वॉल में मसल्स होते हैं, कुछ मसल्स बड़े बड़े होते हैं, कुछ मसल्स छोटे छोटे होते हैं। इस तरह से इसके मसल्स होते हैं, यहाँ पर कुछ बड़े मसल्स और कुछ छोटे मसल्स, और यहाँ पर ये क्या है, ओपनिंग है जो कि इसको एट्रियम और एट्रियम से कनेक्ट करने का काम करती है। यहाँ पर इस ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए कुछ कोलेजन के प्रोटीन फाइबर होते हैं, दीज कोलेजन प्रोटीन फाइबर आर कॉल्ड कॉर्डिक टेंडिन। ये कैसे फंक्शन करता है? ये फंक्शन ऐसे करता है कि जब यहाँ पर ये जो कॉर्डिक टेंडिन है और यहाँ पर इसकी ओपनिंग को गार्ड करने के लिए कुछ फ्लैप्स लगे हुए हैं, यहाँ पर राइट साइड में जो फ्लैप है इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल, और लेफ्ट साइड में जो वॉल्व लगा है इसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। ये है बाइकस्पिड वॉल्व, ये है बाइकस्पिड वॉल्व जो कि कॉर्डिक टेंडिन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका फंक्शन ये होता है कि जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड के प्रेशर के कारण ये फ्लैप नीचे आ जाता है, जिसके कारण यहाँ का ब्लड इसमें और यहाँ का ब्लड इसमें आ जाता है। तो ये राइट एट्रियम था, इसका ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। और ये लेफ्ट एट्रियम था, इसका ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। ये इस तरह से इसमें ब्लड फिल हो जाता है, ठीक है। ये जैसे ही ब्लड इसमें आता है एट्रियम रिलैक्स हो जाता है, और रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया इज कॉल्ड डायस्टोल। एट्रिया के रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं? एट्रिया के रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। यहाँ पर एट्रियल डायस्टोल शुरू होता है। सबसे पहले क्या शुरू हुआ था? सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल शुरू किया था। एट्रियल सिस्टोल कितना था? 0.1 सेकेंड तक था, याद होगा आपको। इसके बाद एट्रियल डायस्टोल हो गया, ये एट्रियल
डायस्टोल हो गया, यानी ये अब रिलैक्स करने लग गया। कितने समय तक? 0.7 सेकेंड्स तक ये रिलैक्स करता है। आगे देखें, जब वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो यहाँ पर एवीएन प्रेजेंट होता है। ये एवीएन इम्पल्स को यहाँ से जो ऐसे है, ये पूरा यहाँ पर मसल्स फाइबर्स होते हैं, ये इम्पल्स मसल फाइबर के थ्रू एवीएन तक आ जाता है। एवीएन इस इम्पल्स को रिसीव करता है। कौन सा इम्पल्स है? ये कॉन्ट्रेक्शन का, जिसके कारण ये कॉन्ट्रेक्शन का इम्पल्स, ये रिलैक्स हो चुका है, ये कॉन्ट्रेक्शन का इम्पल्स अब वेंट्रिकल में जाता है। जब वेंट्रिकल में ये इम्पल्स जाएगा तो वेंट्रिकल में क्या होगा, इसको ऑब्जर्व करिए। ये स्ट्रक्चर देख लिया। नेक्स्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन जब होगा तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन में अभी याद करो, यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया था, राइट एट्रियम से क्या निकला था? पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट से क्या निकला था? सिस्टेमिक एओर्टा। ये सिस्टेमिक एओर्टा, इसी से सारी आर्टरी राइट हुई है, और ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि एक्सेप्शनल आर्टरी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये इसको कहाँ पर लेकर जाएगा? लंग्स पर लेकर जाएगा ना। तो यहाँ पर ये दोनों ओपनिंग प्रेजेंट है, और इस जगह पर इस ओपनिंग को गार्ड करने के लिए ये कुछ वाल्व्स लगे हुए हैं, जिसका दोनों साइड में नाम है सेमी लूनार वाल्व्स। दीज आर कॉल्ड सेमी लूनार वाल्व्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर था ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ पर था बाइकस्पिड वाल्व। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करेगा, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन एवीएन से बंडल ऑफ एबी बंडल, बंडल ऑफ इस और प्रोटीनजे फाइबर के थ्रू दोनों ही वेंट्रिकल में स्प्रेड करेगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करना शुरू किया, जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन होगा, सबसे पहले ये हो सकता है कि ब्लड यहाँ से यहाँ आ जाए, तो इस ब्लड को एट्रियम में जाने से रोकने के लिए ये दोनों तरफ के फ्लैप क्या हो जाएंगे? साइमल्टेनियसली क्लोज कर जाएंगे। कौन से फ्लैप? तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ये दोनों जब एक साथ क्लोज करेंगे तो ये फर्स्ट हार्ट शंट को प्रोड्यूस करेगा। अब ये बंद हो गया, ये बंद कर दिया आपने, फ्लैप बंद हो गया। अब ये और कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है, इस कॉन्ट्रेक्शन के कारण ये सेमी लूनार वाल्व्स खुल जाएंगे, और ब्लड यहाँ का इसमें चला जाएगा, और इसका ब्लड इसमें चला जाएगा। इसमें कैसा ब्लड आएगा बता दो? ऑक्सीजनेटेड। और इसमें कैसा ब्लड आएगा? डी ऑक्सीजनेटेड आएगा ना, यही ब्लड था इसके पास। अब सबसे पहले आपने दोनों वाल्व को बंद किया, अब जब ब्लड इसमें चला गया तो वेंट्रिकल खाली हुआ। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल।